papá. हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम चल रहे हैं बालाघाट की अलग अलग जगह की गणेश जी देखने, जो कि काफी जगह में बैठी हुई है और बहुत ही अच्छी अच्छी तरीके से लोगों ने बैठा लगा है। तो बने रहिए इस वीडियो में, अपन चलते हैं गणेश जी देखने। तो शुरुआत करते हैं हमारे मोहल्ले में, जो सरस्वती नगर में मैं रहता हूँ, तो वहाँ की गणेश जी से स्टार्ट करते हैं। श्री अष्टविनायक गणेश उत्सव समिति सरस्वती नगर वार्ड नंबर 28-30 सरस्वती नगर का राजा। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन का। बहुत ही प्यारी मूर्ति है, इसमें गणेश भगवान सिंहासन में बैठे हुए हैं। इसके बाद अपन चलते हैं मयूर नगर की वार्ड नंबर 28 की यह गणेश जी देखने। समिति का नाम मुझे पता नहीं है। यह गणेश जी है बूढ़ी हॉस्पिटल के बाजू में। गणेश जी है जो जिसमें बॉडी बिल्डिंग के इसमें यह गणेश जी का दिखाया गया है, जिसमें कि भोलेनाथ का इनमें कलर है और एप्स वगैरह भी है। कि पहले गणेश जी मैंने अभी तक के अपनी लाइफ में देखा हूँ जिस गणेश जी की पेट की जगह एप्स है। बहुत ही प्यारी मूर्ति लगी है अभी तक की मेरे को, क्योंकि मैं खुद इस लाइन पे हूँ। गणेश जी भटेरा रोड की है, जो कि बालाघाट हॉस्पिटल के पास की है, और इसमें गणेश जी के पिताजी मतलब भोलेनाथ जी पीछे खड़े हुए हैं और सामने में गणेश जी है जो कि एक शेर की खाल के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दो कदम की दूरी में ये भी बालाघाट हॉस्पिटल के सामने की गणेश जी है, जिसमें बहुत ही प्यारा डेकोरेशन मुझे लगा है और पीछे में भी काफी अच्छा डेकोरेट इन्होंने किया हुआ है। और इस मूर्ति में गणेश जी सिंहासन में बैठे हुए, और यहाँ पे भी एक पुलाव का भंडारा चल रहा था। गणपति बप्पा। दो कदम की दूरी पे इसमें गणेश जी झूले में विराजमान है। यह गणेश जी बालाघाट नगर पालिका की है, और पीछे इसमें श्री भोलेनाथ जी और सामने में गणेश जी है। गणेश जी नए राम मंदिर की है, और इस मूर्ति के बारे में मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए कितनी प्यारी मूर्ति है। कि जय जयकार करने लगे, जय राम जय राम जय जय राम सिया। इसी में हमने श्री राम जी के भी दर्शन आपको करवाए। यह गणेश जी भटेरा चौकी की है, ओम श्री साईं गणेश उत्सव समिति वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन और बहुत ही बड़ा पंडाल मेरे को इस मूर्ति का लगा अभी तक के मैंने जितनी भी मूर्तियां देखा। कोई दे हुंकारे, लाख कोई धमकारे। हम तेरी राहों पे चलते, हम नहीं रुकने वाले। गणेश जी बूढ़ी आईटीआई के पास की है। रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, इसमें यह मूर्ति भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। साथ तेरा बस जाऊं मैं, दुआ दी अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना। भटेरा चौकी के नाके के पास की है, जिसमें गणेश जी को एक बाल रूप में दिखाया गया है, और इसमें गणेश जी हिमालय में बैठे हुए है, ऐसा इसका डेकोरेशन है। यह गणेश जी कहाँ की ये तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पर इसमें गणेश जी का वाहन
मूसक मतलब चूहा है और हाथ में गणेश जी के हनुमान जी की गदा भी नजर आ रही है। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। यह गणेश जी सिंधी कॉलोनी की और गणेश जी इसमें सिंहासन के ऊपर में नजर आ रहे हैं और यहाँ पे हम छोटे से बच्चे को गणेश जी बनाया गया था जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव देव जय देव। 2 साल बाद हमको यह मौका मिला कि हम फिर से पंडालों में जाके और अलग अलग जगह में बहुत अच्छे अच्छे कंसर्ट में हमको गणेश जी देखने मिले। बहुत ही बालाघाट की अलग अलग जगह की मूर्तियां मैंने तो काफी जगह की मूर्तियों पर कैप्चर नहीं कर पाया हूँ और जिस हिसाब से मेरे को पंडाल में जितना समझ आया, मूर्ति में जितना समझ आया, मैंने अपने अकॉर्डिंग आप तक के बताया। आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, कौन सी मूर्ति कहाँ की है ये भी बता सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देख पाए होंगे तो आप लोग भी देखिए और आगे दूसरे लोगों को भी पहुंचाइए। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरिया।